हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आजकल जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आज का हमारा है वीडियो लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। और यहाँ पर अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स को डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और वो बिजनेस को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं और साथ में इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल में जानना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा वेपन है जो कि बिजनेस को कई प्रकार से हेल्प कर सकता है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अपनी नॉलेज को अप्लाई करना। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कई प्रकार से इफेक्ट किया है। टेक्नोलॉजी जो है उसने पूरे विश्व को एक दूसरे के करीब लाकर रख दिया है। टेक्नोलॉजी ने इन्फ्लुएंस करा है कि हम कैसे जीते हैं, हम कैसे खाना बनाते हैं, हम कैसा पानी पीते हैं फिल्टर्ड या मिनरल वाटर, हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ईमेल व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करते हैं। इसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर के डिजाइन बदल गए हैं, अब हमारे पास न्यूज जो है हमारे फोन पे ही उपलब्ध है। कैसे मैरिज होगी ये तक बदल दिया है टेक्नोलॉजी ने। बिजनेस के अंदर कैसे सामान बेचा जाता है ई कॉमर्स साइट्स आ चुकी हैं। बैंकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आ चुका है। नई नई दवाइयां जो हैं वह टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेंट हो चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी ही वह चीज है जिसने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी खूबसूरत एडवांसमेंट्स हुई हैं, इतनी इजाद हुई हैं कि बिजनेस करने का तरीका ही बदल गया है। प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी बढ़िया हो गई है प्रोडक्ट्स की, और जो कॉस्ट है लागत है वह कम हो गई है। टेक्नोलॉजी के कारण ही जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वे फॉरेन कंट्रीज में एंटर होने के लायक बनी हैं। नई नई मार्केट्स मिली हैं बिजनेस को जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी ग्लोबलाइजेशन मुमकिन हो पाई है उसमें तकनीक का टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका जापान, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वह डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है जैसे कि इंडिया। कैसे? वहां की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलपिंग नेशंस में आती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, और कभी कभी टेक्नोलॉजिकल अलायंस होती है जहां पर कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि बड़ी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो होम कंट्री में यूज की जा सकती है। लाइसेंस दिए जाते हैं और कंपनी अपना नाम यूज करने की अनुमति भी दूसरी कंपनी को दे देती है, मतलब फ्रेंचाइजिंग। अब जैसे कि हमने बात करी हर देश के अंदर डेवलपमेंट का क्या फेज है वह अलग अलग है। कई नेशंस तो हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। तो इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी हर एक कंट्री में सेम नहीं है। एडवांस कंट्रीज के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, और कभी कभी ये देखा गया है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है, आउटडेटेड होती है। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब ये निर्णय लेती है कि वह दूसरे देश में जाके काम करना चाहती है तो उसे स्कैनिंग करनी पड़ती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। अब ये स्कैनिंग किस प्रकार से होती है उसके कुछ एक स्टेप्स हैं। तो चलिए अब इन स्टेप्स को हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब ये टेक्नोलॉजी का हमें स्कैनिंग करना है, सबसे पहले देखना है कि किस लेवल पर टेक्नोलॉजी है हमारे अपने देश में। अपने देश मतलब जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका होम कंट्री। फिर उसके बाद अगला काम आएगा, फिर देखा जाएगा कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है जिस देश में जाके हम अब काम करना चाहते हैं, उसे बोला जाता है होस्ट कंट्री।
उसके बाद देखिए कंपैटिबिलिटी, उन दोनों को कंपेयर कीजिए कि क्या दोनों सेम ही हैं। तो अगर जवाब आता है नहीं, कि नहीं कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी कंट्री में जाके कंपनी काम करना चाह रही है वहां पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वह बिल्कुल सही रहेगी। अब सही और गलत का फैसला कौन करेगा? ये फैसला करेगा वहां का कल्चर, होस्ट कंट्री के कल्चर के अनुसार कैसी टेक्नोलॉजी कंपैटिबल रहेगी, इसकी एनालिसिस कंपनी को करनी ही पड़ेगी। और जब एक बार कल्चर को समझ लिया, कंपैटिबिलिटी जान ली, तो उसके साथ की साथ कंपनी को वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर वहां की लॉज क्या कहती हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वह कानून के लॉज के ऊपर ही आधारित होगा। किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मुमकिन होगा वह भी जानना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सख्त नियम हर कंट्री ने बना दिए हैं, तो स्टडी करना पड़ेगा कि जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वह जाएगी होस्ट कंट्री में, तो वहां की लॉ के अनुसार क्या हमारी टेक्नोलॉजी वहां की एनवायरनमेंट के अंदर किसी प्रकार का पोल्यूशन जनरेट कर रही है। अगर कर रही है तो उसका इलाज क्या होगा, क्या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कंपनी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते समय कंपनीज ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं, टेक्नोलॉजिकल अलायंस कर लेती हैं, ताकि जो होस्ट कंट्री है वहां के कस्टमर्स को जानने वाली कंपनी के साथ हाथ मिला आगे बढ़ा जाए। तो ये थी हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने ये जाना कि किस प्रकार से जो इनोवेशन है वो एक यूजफुल तरीका है, और नॉलेज को आगे बढ़ाना, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना वह मुमकिन हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो अडेप्टेशन, एक दूसरे से सीखना शेयर करना ही मल्टीनेशनल्स को और आगे लेकर जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक देश का आर्थिक माहौल कैसा है, और इसका बहुत ही गहरा संबंध है बिजनेस के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है म्यूचुअली डिपेंडेंट, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आर्थिक माहौल देश का और बिजनेस की क्या स्थिति है, ये एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया या बहुत बुरे भी हो सकते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि तीन प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग देशों के अंदर प्रिवेल कर सकते हैं, और ये सिस्टम ही ये आधार बनते हैं कि बिजनेस किस प्रकार से फंक्शन करेगा। तो चलिए देखते हैं ये तीन सिस्टम्स कौन से होते हैं। तो ये है वे तीन प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स, चलिए एक एक करके हम तीनों को अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहला सिस्टम आ जाता है कैपिटलिज्म का, इसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है। ये वह सिस्टम है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई जो है वह फ्रीली सेट करती है कि क्या प्राइस होगा मार्केट में प्रोडक्ट्स का, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर जो कस्टमर होगा वह एलोकेट करेगा रिसोर्सेज, कस्टमर की चॉइस होगी कि क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो लेना चाहता है और वह कौन प्रोड्यूस करेगा। ये इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जहां पर कस्टमर के पास चॉइस होती है कि वह किस प्रकार के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेना चाहता है। दूसरा जो आ जाता है वह आ जाता है कम्युनिज्म, इसका मतलब ये होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी राइट्स टू इनकम जो है वह बिल्कुल अबॉलिश कर दिए जाते हैं, स्टेट ही सब कुछ ओ करती है, सारे मालिकाना हक फैक्टर्स को लेके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्शन के सरकार के पास ही होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और बिजनेस का बहुत ही कम स्कोप होता है इस प्रकार की इकोनॉमी में, बट समय के साथ ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया है। इसके बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सबसे बड़ा चेंज है प्राइवेटाइजेशन आने। तीसरा जो सिस्टम आता है वह होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वह मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और इसका मेन पर्पस ये होता है कि सरकार जो है वह बेनिफिट करना चाहती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आना चाहती है, प्राइवेट वेल्थ के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है,
रेगुलराइज करना चाहती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और नेशनल सेल्फ रिलायंस मेंटेन करना चाहती है, लेकिन जो ट्रेंड है उसमें बदलाव आता जा रहा है और आजकल के समय में जो दौर है वह प्राइवेटाइजेशन का है, मार्केट एलोकेशन का है। इसी वजह से ये देखा गया है कि जो कमांड है वह सरकार की कम होती जा रही है और प्राइवेटाइजेशन जो है वह बढ़ती जा रही है। जब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो उन सब आर्थिक फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जिनका बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर असर आ सकता है, और ये कुछ एक फैक्टर्स आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं जो कि बिजनेस के ऊपर गहरा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एक देश के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है, कितनी देर तक के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते हैं, हर प्लान के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर होता है, कितना बजट देना है वह सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि देश के अंदर क्या रीजनल इम्बैलेंस है, क्या कोई रीजन तो बहुत डेवलप है जबकि दूसरा रीजन जो है वहां पर बहुत ही गरीबी और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो फिर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वह किस रीजन में अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। इसके बाद बिजनेस ये देखता है कि देश के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं देश की उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं सड़कें, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग की कितनी सहूलियत है जो बिजनेस को मिल सकती है। उसके बाद सरकार जो है वह कितना कंट्रोल जो है वह मेंटेन करती है प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर, सरकार की दखल अंदाजी कितनी है। उसके बाद देश के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, जिसका कि अनुमान लगाया जाता है पर कैपिटा इनकम और साथ में नेशनल इनकम के द्वारा। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तो उसके कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनका असर बिजनेस के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला तो यहाँ पर आ जाता है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम ईयर 1991 को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वे एक ऐसा ईयर था जिसने इंडिया में बिजनेस का पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। अब इंडियन पॉलिसी जो है इंडस्ट्री को लेकर उसके अंदर कंपटीशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। साथ के साथ अगर हम सरकारी सेक्टर की भी बात करते हैं तो ये इंश्योर किया जाता है कि लॉसेस ना हो, वह भी नई तकनीक के साथ चलें और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा दें। बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इससे पेपर वर्क जो है वह बढ़ जाता है। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या पॉलिसीज हैं इंडस्ट्री को अगर काम करना है तो लाइसेंस के रिलेटेड। तो इंडिया में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया जाएगा कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर, ताकि बिजनेस करना आसान हो जाए और जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वे ज्यादा से ज्यादा पैसा नए नए बिजनेस में लगाएं। परंतु लाइसेंसिंग को बिल्कुल भी अबॉलिश नहीं किया जा सकता। कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है, क्योंकि वह देश की सिक्योरिटी को लेकर या देश की कुछ मान लो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं जो हम चाहते हैं कि बातें बाहर ना जाएं उसको लेकर, या बाहर की कंपनीज आके हमारे पर्यावरण को खराब ना करें, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, उस सब के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अदरवाइज कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएगी। अगर देश में पैसा डालना है तो ये बहुत जरूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को देश में आने की अनुमति मिले। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बाहर की किसी और देश की हैं, उनको हमारे देश में आने की अनुमति देना। समय के साथ इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। आज की बात अगर हम करते हैं तो 51% तक फॉरेन इक्विटी जो है वह हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री में अलाउ कर दी गई है, जिसका फायदा ये हुआ है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जो है वह इन्वेस्ट हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को भी इजी कर दिया गया है। जो स्टेप्स हैं वह इलेक्ट्रॉनिक वे से हो सकते हैं और जो समय लगता है उसमें भी काफी गिरावट आई है।
इंडियन इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये जानना बहुत ही अच्छा होगा कि क्या इंडिया में मोनोपोलीज यानी एकाधिकार वाली कंपनीज को बनाना मुमकिन है। तो यहाँ पर जवाब है ना, इंडिया के अंदर जो है वह मोनोपोलीज को नहीं माना जाता और ये माना जाता है कि ये जो मोनोपोलीज हैं ये देश के अंदर जो इकोनॉमिक पावर है वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो जाती है, यानी दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। तो इंडिया में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि देश में सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। समय समय पर नए नए स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की मोनोपोली जो है या कोई ट्रेड प्रैक्टिस जो उससे मेल खाती है वह ना हो पाए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है जो कि किसी के लिए खतरनाक हो सकती है या धोखाधड़ी वाली अनफेयर है तो उसको रोकने के लिए भी समय समय पर सरकार के द्वारा कई सारे एक्ट्स जो हैं और निर्णय लिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो, फॉरेन ट्रेड हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे लेकर आना हो, इसके अंदर ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है, मतलब बहुत ही बढ़िया जरिया है जिससे देश के अंदर तेजी से तरक्की लाई जा सकती है और इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जा सकता है। आजकल के समय में जो सरकार है वह डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी शेयर होल्डिंग्स जो है वह पब्लिक सेक्टर में वह कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर NRIs को अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि नियंत्रण रखता है कंपनीज के शेयर्स के ऊपर। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज CRISIL है। इन सब का काम यही है कि देश के अंदर जो व्यापार है वह कानूनी तौर पर चले। तो इनकम लेवल हो गया एक देश का, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या हो गए कंज्यूमर्स, ये सब जो है इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ही गहरा रोल प्ले करते हैं। तो जो भी बिजनेस आगे आना चाहता है उसे इन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक होता है कम्प्लीट। और अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या होते हैं और वे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको कहती हूँ गुड बाय। मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ।